सो so, uh, हमने जो है वो 2D डी टू डायमेंशनल अपना कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे और ये जो लेक्चर uh, है टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि हम थ्री की तरफ स्विच कर रहे हैं थ्री पहले हम कैड थ्री के अंदर वर्क करेंगे और अनवर्ड आगे जाके हम थ्री डी मैक्स के अंदर काम करेंगे क्विकली कुछ टॉपिक्स हम उसके ऊपर करेंगे अब थ्री डी इस लिहाज से अहम है अगर आप बात करते हैं कोई भी आप प्रोजेक्ट देखें फ्री लांसिंग मार्केट के अंदर भी आ, कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के भी मिलते हैं जिसमें वो आपसे फ्लोर प्लान डिमांड कर रहा होता है आपसे सेक्शन या एलिवेशन तक बात होती है लेकिन कुछ फाइल ऐसी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसमें वो आपसे टू के साथ थ्री भी वो कहते हैं वी नीड फॉर एग्जाम्पल अ ड्राफ्ट वी नीड अ पर्सन हु इज़ हैविंग स्किल्स इन टू डी टू डायमेंशन यानी फ्लोर प्लान बना ले और अलॉन्ग विद डी अब इस कोर्स के अंदर कैड थ्री का भी मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूंगा इन सेवन टू एट जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे और हम थ्री डी मैक्स को भी देख लेंगे कि थ्री डी मैक्स के भी इतने ही यानी क्विकली हम यही जो प्रोजेक्ट जो हमने टू में कम्प्लीट किया है इसी का थ्री हम खड़ा कर देंगे कैड के अंदर एक तरफ और एक तरफ हम खड़ा कर देंगे इन थ्री मैक्स के विंडोज़ कैसे लगानी है दरवाजे कैसे लगाने हैं दीवारों को खड़ा कैसे करना है छत कैसे डालनी है स्टेयर्स कैसे बनानी है और रेंडरिंग यानी जो फाइनल आउटपुट है उसको सेव कैसे करना है तो इसके बाद ये काफ़ी बड़ी फील्ड है यानी इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर्स होते हैं एंड ऑफ द डे लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको कैड के भी और पर्टिकुलरली थ्री डी मैक्स के भी कुछ प्रोजेक्ट हम आपको दिखाएंगे जब आपको नज़र आएगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं मैं एक बात बार बार आप ट्रेनिंग से भी कर रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के भी बार बार ये अक्सर बातचीत होती रहती है डिपार्टमेंट्स के अंदर भी ये बातचीत चीत होती रहती है एक ट्रेनर जो है एक गाइड जिसे आप कहते हैं वो आपको रास्ता दिखाता है मंजिल तक पहुंचना जो है वो आपका काम होता है कभी भी आपने लाइफ में ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको पूरी डिटेलिंग कोई बता रहा है स्टेप फिर आपकी लर्निंग नहीं होती तो इसी तरह अब टू के जो हमने लेक्चर्स कम्प्लीट किए हैं अब दुनिया बहुत ओपन है आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे टॉपिक्स देख रहे हैं आप वैसे जाके गूगल में जा रहे हैं आप यूट्यूब में जा रहे हैं और बहुत सारे फॉर्म्स मौजूद हैं यानी बहुत सारी आसान हो चुकी हैं चीज़ें इस इंटरनेट के आने से तो इंटरनेट का राइट यूज़ज अगर हम करें इसी तरह थ्री के अंदर मैं आपको एक पाथ दिखा दूंगा कैड थ्री का भी और थ्री डी मैक्स का भी अब उसके बाद आप कितनी उस पर एफिशेंटली काम करते हैं मंजिल तक कौन कौन पहुँचता है लेकिन जो अच्छे जो राही जो मंजर की तरफ जाते हैं वो लाजमी पहुँचते हैं सो आपने भी ऐसे ही इन चीज़ों को जहाँ कन्फाइन नहीं करना जहाँ तक मैं छोड़ के जा रहा हूँ सो अब हम क्विकली जो फाइल हमने कैड की कम्प्लीट की दी है उसी फाइल के ग्राउंड फ्लोर का हम वेरी क्विकली जो है चेक कर लेते हैं कि जब हमने कैड थ्री में फाइल को लेके जाना होगा तो कुछ चेंजेस हमें करनी होती हैं टू वाली फाइल के अंदर यानी एज़ इट इज़ नहीं करना कि हम सीधा उठा के थ्री में लेके चले गए तो क्योंकि हम कैड फाइल को ही थ्री में लेके जा रहे हैं तो इस लेक्चर के अंदर क्विकली हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों को हम चेंज करके यानी क्या, क्या क्या चेंजेस हैं जो हमें उस टू फाइल जो हाउ ग्राउंड फ्लोर मैंने बनाया है उसके अंदर मैं करूँ ताकि जब मैं थ्री के अंदर लेकर जाऊँ उसे कैड में तो वहाँ आसानी हो तो बढ़ते हैं कैड की तरफ और हम फॉर्मली कैड के अंदर ये चीज़ करके देखते हैं सो तो ये हमारे पास मैंने एक नई फाइल के अंदर और इसका नाम भी हमने जो है वो रख लिया है आटो कैड थ्री क्योंकि हम कैड थ्री के अंदर वर्क कर रहे हैं ये हमारा ग्राउंड फ्लोर जो हमने बनाया है उसको मैंने कॉपी कर लिया है अब सबसे पहले जब हम थ्री के अंदर जाएंगे जब भी आपने कोई भी फाइल ज़रूरी नहीं कि यही फाइल हो आप आगे जाके अपनी फाइल पर काम करेंगे सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ हम टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और अगर आपने लेयर के अंदर काम डेफिनेटली किया होगा तो आप वो लेयर ऑफ कर सकते हैं और एक अलहदा फ़ाइल में कॉपी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा टेक्स्ट क्लियर को ऑफ कर दें या टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर दें सो so, ये चीज़ें आप पे हैं नंबर वन नंबर टू क्या करना है हमने हम यहाँ से डोर्स को उड़ा देंगे जहाँ जहाँ आपने दरवाजे लगाए हैं कोई ज़रूरत नहीं दरवाज़ों की क्योंकि हम डोर्स वहाँ जा कर लगाएँगे सो so, हम डोर्स को रिमूव कर रहे हैं नंबर थ्री हम विंडोज़ को रिमूव करेंगे जहाँ जहाँ हमने खिड़कियाँ लगाई हैं एग्जैक्टली exactly डोर्स की तरह खिड़कियाँ भी हम क्योंकि वहाँ जाके ख़ुद लगाएंगे सो हमने खिड़कियों को भी यहाँ से जगह जगह से डिलीट कर दिया तो हमने सबसे पहले स्टेप्स वाइज चल रहे हैं हमने टेक्स्ट को या तो रिमूव कर दिया या अगर आपके पास लेयर डेफिनेटली होगी तो आप लेयर को सिंपल ऑफ कर दें तो लेयर ऑफ़ हो गई टेक्स्ट आपका यहाँ से गायब हो गया नंबर टू दरवाजे जहाँ जहाँ मौजूद है क्योंकि दरवाजे एक्चुअली हमने थ्री के अंदर जाके ख़ुद से लगाने हैं कुछ बने बनाए डिज़ाइन होंगे कुछ हम बना भी सकते हैं थ्री के अंदर हम दोनों तरीक़ों से करके देखेंगे कुछ लाइब्रेरी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ भी पड़े होते हैं सो so, आपने दरवाज़ों को लेयर ऑफ़ कर दी नंबर वन या डिलीट कर दिया नंबर थ्री हमने क्या किया जो हमारी खिड़कियां हैं उसको भी इसी ही पैटर्न के हम, सेम फैशन में या तो आपने रिमूव कर दिया या आपने उनको उनकी लेयर को ऑफ़ कर दिया अब ये जो आपके पास आ, काम है करने वाला बड़ा इम्पॉर्टेंट और मेन कि फाइल हमारी रेडी होने जा रही है इसी फाइल को जाके आगे हमने थ्री के अंदर डिज़ाइन बनाना है अब थ्री स्टेप्स हमारे पास हो चुके हैं कोई जरूरत जरूरत नहीं है इंटीरियर फिक्सचर्स या हमने जो किचन के अंदर लाइन्स ये उड़ा दी अब स्टेयर्स भी हम खुद जाके लगाएंगे बनाएंगे भी सही और इम्पोर्ट भी करेंगे हम चाहें तो इन्यू कर सकते हैं फिलहाल हम स्टेयर्स को भी यहाँ से डिलीट कर रहे हैं और एक नई फाइल में कॉपी करेंगे ताकि हमारी ओरिजिनल एज इट इज़ रहे अब ये हमारे पास जो है ग्राउंड फ्लोर प्लान भी हम उड़ा देते हैं सो ये हमारे पास इस टाइम ना डोर्स हैं ना विंडोज हैं ना टेक्स्ट है और हमारे पास हमारी लाइंस मौजूद हैं हमारा स्ट्रक्चर बेसिक मौजूद है विदाउट डोर्स एंड विंडोज़ अब थ्री के अंदर जब हम ले के जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सट्रूड वहाँ पे कमांड आएगी एक्सट्रूड की एक्सट्रूड कहते हैं दीवार को खड़ा करना हाइट देना एक्सट्रूड हमेशा वो चीज़ होती है जो बाउंड्री जिसकी बनी हुई होगी अगर आपने कैड की फाइल की आप बाउंड्रीज नहीं बनी होंगी तो वो वहाँ पर जाके हाइट नहीं पकड़ेंगी तो अब हमारा जो वेरी नेक्स्ट टास्क है वो है हाई इन को बाउंड्रीज बनाना बाउंड्री हम कोशिश करेंगे छोटी छोटी बनाई फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी दीवार आ रही है तो हम कोशिश करेंगे उसको कहीं दो हिस्सों में डिवाइड कर लें यानी दो बाउंड्रीज बनाएंगे वहाँ जब वॉल्स के दो बनेंगी तो हमारे लिए एडिटिंग आसान हो जाएगी वहाँ पर काम करना आसान हो जाएगा हम चाहें तो एक ओवरऑल बाउंड्री वे एक ही बना सकते हैं जहाँ जहाँ मिक्स हो रहा है हम एक बना लें लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करें ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ ना हो काम हमारा आसान हो जाए सो तो क्या करते हैं हम अब जिस तरह ये मैं बात कर रहा हूँ अब ये अगर हम चाहें तो ये एक बाउंड्री बना सकते हैं ये सारी लेकिन ये अगर एक बाउंड्री बन गई तो वहाँ एक दीवार ये खड़ी हो जाएगी अगर मैंने यहाँ कोई तब्दीली करनी है तो मुझे शायद फिर पूरी दीवारों के अंदर वर्क करना पड़ेगा सो हम हहाँ पे कुछ एक्सटेंड की कमांड लगा लेते हैं और हम छोटे हिस्से बना लेते हैं कि हमने ऑलरेडी क्यों हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक बाउंड्री बन जाएगी तो एक दीवार अगर हमें तब्दीली करनी पड़ गई इसी तरह हम ये वाली भी एक बना लेते हैं ये हमारे पास एक और बन जाएगी इसी तरह हम ये बना लेते हैं ये एक और बन जाएगी ये भी बना लेते हैं पर्पज़ बना क्यों रहे हैं अगेन क्लैरिफाई होना चाहिए ताकि हमारा वर्क आगे जाके आसान हो जाएगा इसी तरह हम यहाँ से जो है इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं ये अलहदा बन जाएगी इसी तरह हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं इसको तो ये एकदा हमारे पास हिस्सा बन जाएगा इसको कर लिया और इसको कर लिया और इसको भी हम कर लेते हैं तो अब हमने इसका जो मेन और चाहे तो हम इसको भी कर सकते हैं या एज इट इज़ रहने देते हैं ये भी तो हमारे पास क्योंकि यह मेन पर्पज़ समझ आना चाहिए अब ये अगर मैं एक बाउंड्री बना देता ये सारी तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता जब ये एक दीवार खड़ी हो जाती वहाँ पर जाके आगे और फिर अगर मैंने कोई तब्दीली करनी है तो ये मुझे पूरी फिर दीवार को डिलीट करना पड़ता है या रिमूव तो अब ज़्यादा सारी हमारे पास बाउंड्रीज बन जाएंगी तो अगर यहाँ तब्दीली करनी है तो फिर सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इफेक्ट होगा अब हम लगाएंगे बी ओ बाउंड्री की कमांड है हम ऑलरेडी इससे काफ़ी फेमिलियर हैं सिंपल हम बी ओ एंटर करते हैं और पिक पॉइंट्स ये मेरे पास एक बाउंड्री है इसे एंटर कर दें तो ये अब बाउंड्री बन चुकी है अब इसी तरह हम बी ओ कमांड लगा के और क्विकली जो है और ये हमारे पास बाउंड्री है देन ये हमारे पास बाउंड्री है इसको एंटर करके दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं और ये हमारे पास है बाउंड्री और ये हमारे पास पिक पॉइंट्स हैं ये बाउंड्री है ये बाउंड्री है ये बाउंड्री है ये बाउंड्री है ये बाउंड्री है, है ये है ये है और ये हमारे पास अगर हम चाहें तो इसको इकट्ठा कर सकते हैं या चाहें तो इसको अलीहदा भी बना सकते हैं ये डिपेंड्स और ये हमारे पास ये बाउंड्रीज़ बन गई हैं। हम चेक भी कर सकते हैं क्विकली ये अगेन आप देख सकते हैं कि हमारी कहाँ काम बाउंड्रीज़ बन चुकी हैं और कहाँ काम ने फर्दर बनानी है सो ए आई होप कि हमने तकरीबन सारी बाउंड्रीज बना ली हैं दोबारा हम जस्ट एक दफ़ा वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि सिर्फ वही चीज़ वहाँ पे एक्सट्रूड होगी जिसकी बाउंड्री बनी हुई होगी और जो चीज़ जिसकी बाउंड्री नहीं बनी हुई वहाँ एक्सट्रूड नहीं होगी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ये बाउंड्री है ये भी बाउंड्री है ये भी बाउंड्री हमारी बन चुकी है सो ऑलमोस्ट वी वी आर डन विद आर बाउंड्रीज़ सो ये हमारे पास जो है नाउ दिस फाइल इज़ रेडी अब हम इस फाइल को कैट थ्री में या इवन थ्री डी मैक्स में भी आगे जाके लेके जा सकते हैं और इस फाइल पे हम काम कर सकते हैं और इसी फाइल के अंदर ही हम काम करके मजीद ये सारी डोर्स विंडोज़ कंप्लीट करके और एक इनिशियल जो है एक बेसिक और सिंपल ड्राइंग जो है वो कंप्लीट करेंगे सो so, इस टॉपिक के अंदर हमने आ, स्टार्ट देखा कि किस तरह हमारे पास जो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उसका ग्राउंड फ्लोर अगर हम ले लें और इसी का हमने थ्री बनाना हो तो कौन सी तब्दीलियाँ हैं तो हमने स्टेप वाइज जो चेंजेस देखी हैं कि किन किन चीज़ों को एडिट करना है ताकि हमारी फाइल ईज़िली वहाँ जाके जो है वो एक्सट्रूड हो सके और उसमें फर्दर वर्क हो सके सो so, नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम वर्क करेंगे इन आटो कैट थ्री डी